Good morning, my dear students of class 8th. Welcome to my English class. Today we will learn about the story of unthankfulness from the story of the unthankful man taken from taken from the English of Earth named book Tulip series. ना शुक्री के बारे में पढ़ेंगे कहाँ से पढ़ेंगे हमारे पास स्टोरी है द अन थैंकफुल मैन ठीक है बेटा द अन थैंकफुल मैन जो कि एट्थ इंग्लिश से ली गई है ट्यूलिप सीरीज से दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट थैंकलेसनेस ये कहानी किसके बारे में है उस इंसान के बारे में जो ना शुक्र होता है इस कहानी में जो कैरेक्टर्स हैं वो एक रमन है और उसके साथ कुछ एनिमल्स हैं रमन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी होता है बट जो उसका नेचर होता है इट इज़ वेरी हेल्पफुल हेल्पफुल नेचर का आदमी होता है ही हेल्प्स द टाइगर द मंकी एंड गोल्ड स्मिथ यानी उसने जानवरों की मदद की किस 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 जानवर की मदद की टाइगर की की मंकी की की और एक इंसान गोल्ड स्मिथ गोल्ड स्मिथ किसको बोला जाता है सुनार को जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाता है गोल्ड स्मिथ की मदद की द टाइगर एंड द मंकी प्रू टू बी थैंकफुल क्रिएचर वाइल्ड एज द गोल्ड स्मिथ मेक ए ब्रिजन शो ऑफ इज थैंकलेसनेस एंड डिसीट कहते हैं जानवर जो है वो तो वफादार साबित हुए लेकिन ये गोल्ड स्मिथ जो, जो इंसान था उसने अपने शैतानी इरादे और नाशुरी का सबूत दे दिया अब वह उसने कैसे सबूत इस, इस नाशुक्री का दिया हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे रमन वाज़ ए पुअर ब्राह्मण, हु लिव विद हिज़ वाइफ ऑन द आउटस्किट ऑफ ए स्मॉल टाउन रमन एक गरीब ब्राह्मण ज़ात का आदमी था जो अपनी पत्नी के साथ बाहर कस्बे के आखिर में रहता था ही वॉज सो पुअर दैट ही एंड हिज वाइफ हैड टू रिमेन हंग्री फॉर डेज टुगेदर कहते हैं वो इतने गरीब थे कि रमन और उसकी पत्नी को कई दिन भूखे गुजारने पड़ते थे हिज वाइफ वॉज फेड अप विद यर पॉवर्टी उसकी जो पत्नी थी वो इस गुरबत की जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी थी फैडा तंग आ चुकी थी वन डे शी डोंट यू गो टू नियर बाई टाउन एंड दिन अपनी गुर्बत से तंग आके उसने अपने पति से कहा कि आप क्यों नहीं किसी कस्बे पास वाला जो कस्बा है नियर बाय नज़दीकी जो कस्बा है टाउन होता है कस्बा है वहाँ क्यों नहीं जाते और कुछ नौकरी ढूँढते रमन लाइक द आइडिया एंड डिसाइडेड टू गो टू नियर बाय टाउन टू लुक फॉर जॉब रमन को अपनी पत्नी का ये विचार जो है पसंद आया और उसने फ़ैसला कर लिया डिसाइड और उसने फ़ैसला कर दिया कि हम कि मैं पास वाले कस्बे में जाऊंगा और अपने लिए कुछ नौकरी वहाँ ढूंढूंगा ठीक है बेटा ऑन हिज वे ही हैड टू पास थ्रू ए फॉरेस्ट जब वो कस्बे की ओर चल रहा था तो उसे जंगल फॉरेस्ट होता है जंगल में से गुजर के जाना पड़ा ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री वो भूखा प्यासा था थका हारा था भूखा प्यासा भी था थका हारा भी था ही गैदर्ड समल्ड फ्रूट एंड सेट डाउन बाय अ वेल टू ईट कहते हैं उसने कुछ जंगली मेवे इकट्ठा किए और कुएं के पास बैठ के उन्हें खाने लग गया जस्ट देन ही हर्ड सम वॉइस इतनी देर उसे कुछ आवाज़ें आने लगी द वॉइस वेयर कमिंग फ्राम द वेल ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी कुएँ से आ रही थी ही वाज सरप्राइज टू हेयर द वॉइस कमिंग फ्राम द वल वो हैरान परेशान हो गया कि ये ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं ही पीप्ट इन टू द वेल ये कैसे कुएँ में से आवाज़ें आ रही हैं तो उसने झाँका पीप्ट हो गया उसने कुएँ में झाँका नज़र दी टू ही सरप्राइज़ उसकी है हैरा, वो हैरान हो गया ही साइगर उसने टाइगर को देखा मंकी को देखा ए स्नैक एंड अ मैन इन द मैन इन द वेल उसने इन चार चीज़ों चार पाँच क्रिएचर्स को कुएं में देखा जिनमें क्या क्या था टाइगर था मंकी था स्नैक था और एक आदमी था द टाइगर सा हिम एंड सैड सर काइंडली हेल्प मी आउट ऑफ द वेल आई विल बी एवर ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट काइंड एक्शन टाइगर साहिम टाइगर को जब इसने कुएं में झांका तो कुएं में से टाइगर की नज़र इस आदमी पर पड़ गई और उसने क्या कहा सर काइंडली हेल्प मी आउट ऑफ द वेल मैं बराए मेहरबानी मुझे इस कुएं से बाहर निकालने में मदद करो तो कभी ना कभी मैं आपका ये जो आप मेरे लिए करो जो आप ये मुझे इस कुएँ से बाहर निकालोगे आई विल भी एवर ग्रेटफुल मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार और शुक्रगुजार रहूँगा और आपकी इस एक्शन के लिए जो आप ये मेरे लिए करोगे आई एम ऑलवेज आई विल बी एवर ग्रेटफुल टू यू मैं ये कभी नहीं आपका एहसान जो है मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूँगा उम्र भर में आपके इस एहसान के तले दबा रहूँगा ओके okay, बेटा थैंक यू